The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, In John 10 and verse 10, यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 पद में, I have come to give you life. मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, and to give it more abundantly. और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ. I'm going to give you life which will overflow in you. मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो तुम्हारे अंदर से उमड़ेगा. How it is possible? यह कैसे संभव है? If you read John chapter 7 verses 38 and 39, यदि आप योहन्ना 7 अध्याय उसके 38 और 39 पदों को पढ़ें, Jesus said, यीशु ने कहा, If a man believes in me, यदि कोई मनुष्य मुझ पर विश्वास करे, rivers of living water shall flow out of him, तो उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी, from him life will flow to other people, उसके अंदर से जीवन बहकर दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, it will fill him and it will overflow to other people. यह उसे भर देगा और उसके अंदर से उमड़कर दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। And the Bible gives an explanation for that. और बाइबल इसकी एक व्याख्या देती है। It says he mentioned about the Holy Spirit that he is going to give to his people. यहाँ लिखा है उसने यह बात उस पवित्र आत्मा के विषय में कही थी जो वह अपने लोगों को देने जा रहा था। When you receive life from God, जब आप परमेश्वर से जीवन को पाते हैं, When you get eternal life from God, जब आप परमेश्वर से अनंत जीवन को पाते हैं, you know that you are going to heaven. तो आप जानते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे। Yeah. With that you can live a satisfied life. और यह जानते हुए आप एक संतुष्ट जीवन बिता सकते हैं। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, My son, until you come to heaven, मेरे बेटे जब तक तू स्वर्ग नहीं आता, until you come and be with me, जब तक तू आकर मेरे पास नहीं रहता, I want this life to overflow from you to other people. मैं चाहता हूँ कि यह जीवन तेरे अंदर से उमड़कर दूसरे लोगों तक पहुँचे। God is a God who wants to give us everything richly. परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमें सब चीजें बहुतायत के साथ देना चाहता है। 1 Timothy 6:17 tells us so. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 17 पद हमें यही बताता है। He wants to give everything to us richly in abundance. वह हमें सब कुछ भरपूरी के साथ और बहुतायत के साथ देना चाहता है। That's why he says, I will give you the river of life. इसीलिए वह कहता है मैं तुम्हें जीवन जल की नदियां दूंगा। I will give you my Holy Spirit. मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा। It will bring you abundant life. और यह तुम्हें बहुतायत का जीवन देगा। Life and abundant life. जीवन और बहुतायत का जीवन। Yesterday I told you about my search for God. कल मैं आपको परमेश्वर की मेरी खोज के विषय में बता रहा था। I was searching after God. मैं परमेश्वर की खोज में था। 7 years I was crying to God. 7 साल तक मैं परमेश्वर को पुकारता रहा। I want to see you. मैं तुझे देखना चाहता हूँ। I want to talk to you. मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। I want to listen to your voice. मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। Yesterday you saw me talking to God. कल आपने मुझे परमेश्वर से बात करते देखा। You saw how I could discern the hearts of the people when they came to the platform. आपने देखा जब लोग मंच पर आए तो कैसे मैं उनके दिल की बात को समझ पा रहा था। When one sister came and told her name. जब एक बहन ने आकर अपना नाम बताया। I said, sister, the Holy Spirit says you were here yesterday. मैंने कहा बहन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि कल आप यहाँ पर थीं। Yesterday your name was called out. कल आपका नाम पुकारा गया। You didn't come. लेकिन आप आगे नहीं आईं। And she said yes. उन्होंने कहा हाँ। Yesterday the presence of Christ was very real to us. कल मसीह की उपस्थिति को हमने वास्तविक रूप में महसूस किया। He was telling me about each and every person who came to the platform. वह मुझे उस प्रत्येक व्यक्ति के विषय में बता रहा था जो मंच पर आया। I mentioned their need. मैंने उनकी जरूरत के बारे में बताया। And I prayed for them. और मैंने उनके लिए प्रार्थना की। My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों। I prayed for this. मैंने इसके लिए प्रार्थना की। 7 years I prayed. 7 साल तक मैंने प्रार्थना की। The greatest experience a man can have in this world is to have communion with God. वो सबसे बड़ा अनुभव जो एक व्यक्ति इस दुनिया में पा सकता है वो है परमेश्वर के साथ संगति का अनुभव। That is abundant life. यह है बहुतायत का जीवन। Genesis 5:24 says. उत्पत्ति 5 उसका 24 पद कहता है। Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के संग चला। 6:9 says. 6 का 9 पद कहता है। Noah walked with God. नूह परमेश्वर के संग चला। James 2:23 says. याकूब 2 उसका 23 पद कहता है। Abraham was a friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। Exodus 33:11 says. निर्गमन 33 उसका 11 पद कहता है। God talked to Moses as a friend would talk to another friend. परमेश्वर मूसा के साथ एक मित्र के समान आमने सामने बात करता था।
It is only for this the Holy Spirit is given. केवल इसी के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है. If you want to walk with God, यदि आप परमेश्वर के संग चलना चाहते हैं. If you want to move with God, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं. If you want to talk to God, यदि आप उससे बात करना चाहते हैं. If you want to listen to His voice, यदि आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं. God says, I will fill you with my Holy Spirit, then you can have this wonderful experience. परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपने पवित्र आत्मा से भरूंगा, तब तुम इस अद्भुत अनुभव को पा सकोगे. Last night, hundreds were filled with this marvelous experience. कल रात सैकड़ों लोगों ने इस अद्भुत अनुभव को भरपूरी के साथ पाया. In the morning meeting that we had in this pandal, hundreds received the Holy Spirit this morning. आज जो सुबह की सभा इस पंडाल में हुई, उसमें सैकड़ों लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया. I was crying for this wonderful experience of walking with God. मैं परमेश्वर के साथ चलने के इस अद्भुत अनुभव के लिए पुकार रहा था. 7 years I cried. 7 साल तक मैंने पुकारा. One day my eyes fell upon Acts 10:38. और फिर एक दिन प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 पद मेरे सामने आया. It says, God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power. यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया. And God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था. And God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था. I said, Oh God. मैंने कहा, हे परमेश्वर. Jesus Christ is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. If he needed the Holy Ghost and power. यदि उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य की आवश्यकता थी. How much more an useless pig like me must have the Holy Spirit and power. तो मेरे जैसे एक सुअर के समान निकम्मे व्यक्ति को इस सामर्थ्य और पवित्र आत्मा को पाने की कितनी आवश्यकता है? Give me the Holy Spirit or I die. मुझे पवित्र आत्मा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा. Give me this Holy Spirit which you gave to your son or I die. मुझे भी वही पवित्र आत्मा दे जो तूने अपने पुत्र को दिया, नहीं तो मैं मर जाऊंगा. Let me say this to you again. मैं आपसे फिर ये बात कहता हूँ. Never expect any great spiritual blessing from God unless you are serious about it, unless you are willing to die for it, unless you are willing to pay a price for it. परमेश्वर से तब तक कोई भी महान आत्मिक आशीष पाने की आशा ना रखें जब तक आप इसके बारे में गंभीर नहीं हैं, इसके लिए मरने को तैयार नहीं हैं और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं. Never. कभी नहीं. On the 9th October 62. 9 अक्टूबर 1962 के दिन I prayed like this. मैंने यह कहकर प्रार्थना की. It was night 12 o'clock. रात के 12 बज रहे थे. I prayed to Jesus. मैंने यीशु से प्रार्थना की. Lord, I have prayed for 7 years. प्रभु, मैंने 7 साल तक प्रार्थना की है. You not care to listen to my cry. लेकिन तूने मेरी पुकार सुनने की परवाह नहीं की. Give me this marvelous experience of filling with the Holy Spirit and seeing you. मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने और तेरा दर्शन पाने का यह अद्भुत अनुभव दे. Or take away my life. नहीं तो मेरा प्राण ले ले. I had an excellent job in the bank. बैंक में मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी थी. I had a wonderful wife. बहुत अच्छी पत्नी थी. Just then my son Paul was born. उसी समय मेरे बेटे पॉल का जन्म हुआ था. None of these things could satisfy. लेकिन इनमें से कोई भी बात मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रही थी. I wanted only Jesus. मुझे केवल यीशु चाहिए था. You must have that cry in your heart. आपके हृदय में यह पुकार होनी चाहिए. Next day came. अगला दिन हुआ. It was 9:30 in the night when I came back from the bank. रात के 9:30 बजे मैं बैंक से वापस आया. 10:15 we knelt down for prayer. 10:15 बजे हम प्रार्थना के लिए बैठ गए. Simple family prayer. साधारण सी पारिवारिक प्रार्थना. My father and mother were with me. मेरे माता पिता मेरे साथ थे. A dear pastor and his wife were with me. एक प्रिय पासवान और उनकी पत्नी हमारे साथ थे. Just a small prayer we wanted to say and go to bed. हम बस छोटी सी प्रार्थना करके सो जाना चाहते थे. God chose that moment. लेकिन परमेश्वर ने उस पल को चुना. And the presence of God came. और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई. I saw Jesus. मैंने यीशु को देखा. 3 hours I saw him. 3 घंटे तक मैं उसे देखता रहा. He told me, son. उसने मुझसे कहा, बेटे. Because you sought me diligently. क्योंकि तूने मन से मेरी खोज की है. I have come in person to bless you. मैं व्यक्तिगत रीति से तुझे आशीष देने के लिए आया हूँ. 3 hours I talked to him and he talked to me. 3 घंटे तक मैंने उससे बात की और उसने मुझसे बात की. I can never forget that experience. उस अनुभव को मैं कभी नहीं भूल सकता. Finally he told me. अंत में उसने मुझसे कहा, I am filling you with my spirit of compassion. मैं तुझे अपने करुणा के आत्मा से परिपूर्ण कर रहा हूँ. When I was in this world. जब मैं इस संसार में था. When I saw the broken-hearted people. जब मैंने टूटे मन के लोगों को देखा. When I saw the sick people. जब मैंने बीमार लोगों को देखा.
I was moved with compassion. तो मैंने उन पर तरस खाया. It is my compassion that compelled me to perform miracles for them. और मेरे तरस ने ही मुझे उनके लिए चमत्कार करने के लिए मजबूर किया. It is that spirit I am giving you. और वही आत्मा मैं तुम्हें दे रहा हूँ. It is that spirit of compassion I give you. तरस का वही आत्मा मैं तुझे देता हूँ. From that day my stony heart changed. उस दिन से मेरा कठोर हृदय बदल गया. When somebody comes and tells me about a problem, my heart melts within me. जब कोई आकर मुझे अपनी समस्या के बारे में बताता है, तो मेरा हृदय सुनकर पिघल जाता है. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, this compassion that makes my prayer useful. यही तरस मेरी प्रार्थना को उपयोगी बनाता है. It is this compassion that brings God's blessings upon the people. यही तरस है जो परमेश्वर की आशीषों को लोगों पर लाता है. 2 Corinthians chapter 5 and verse 14 says. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 14 पद कहता है. The Bible says. बाइबल कहती है. The love of Jesus Christ constrains me. यीशु मसीह का लहू मुझे विवश कर देता है. It is this compassion that makes us work for Jesus. यह तरस ही है जो हमें यीशु मसीह के लिए काम करने की प्रेरणा देता है. It is this compassion that makes us cry for the people. यह तरस ही है जो हमें लोगों के लिए पुकारने की प्रेरणा देता है. Whether somebody comes to me in person, चाहे कोई व्यक्ति स्वयं आकर मुझे मिले, or whether somebody calls me over the phone, चाहे कोई व्यक्ति मुझे फोन करे, or whether somebody writes a letter to me, चाहे कोई व्यक्ति मुझे पत्र लिखकर बताए, when I read their sorrows, जब मैं उनके दुखों के बारे में पढ़ता हूँ, when I read about their agony, और उनकी वेदना के बारे में पढ़ता हूँ, I cry, मैं रोता हूँ. These tears come to me because of the compassion of Jesus. मेरी आंखों में ये आंसू यीशु के तरस के कारण ही आते हैं. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when you receive this great compassion in your soul, जब आप इस महान तरस को अपनी आत्मा में ग्रहण करेंगे, when you receive this spirit of compassion in your soul, जब आप तरस के इस आत्मा को अपनी आत्मा में ग्रहण करेंगे, God's abundant life will flow out of you. तो परमेश्वर का बहुतायत का जीवन आप में से बहेगा. The man whom you touch shall be healed. जिस व्यक्ति को आप छुएंगे वो चंगा हो जाएगा. When you enter a home, that home shall be blessed. जिस घर में आप प्रवेश करेंगे वो घर आशीष पाएगा. When you bless a man, he will be blessed. जब आप किसी व्यक्ति को आशीष देंगे वो आशीष पाएगा. Whatever you say will come to pass. जो भी आप कहेंगे वो पूरा होगा. Yes, I went through great sorrow before getting this wonderful experience of the Holy Spirit. हाँ, पवित्र आत्मा के इस अद्भुत अनुभव को पाने से पहले मैं बहुत शोक में से गुजरा. But still, लेकिन तो भी, it's worth. ये व्यर्थ नहीं था. Are you going through problems today? क्या आज आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं? Cry for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए पुकारें. Our loving heavenly Father. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, we commit everyone who is watching this program in your hands. हम हर एक उस व्यक्ति को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आपके हाथ में रखते हैं. You are a loving God. आप एक प्रेमी परमेश्वर हैं. And also a living God. और वैसे ही आप एक जीवित परमेश्वर हैं. You want to move in our families and bless everyone who wants to have you with them. आप हमारे परिवारों में चलना फिरना और हरेक जो चाहते हैं आशीष को पाए उन्हें आशीष देना चाहते हैं. You have spoken to everybody right now. इसी समय आपने हरेक से बातचीत की है. Those who have decided to have you with them all the time, bless them, Lord. जिन्हें प्रभु जी निर्णय लिया है कि आपको हमेशा अपने जीवन में रखें, आप उन्हें आशीष दें. Give them grace to read your word, Master. उन्हें अनुग्रह दें कि आपके वचन को वो पढ़े स्वामी. Take away all the lethargic feelings. Our desires from their hearts. उनके हृदयों से हर एक आलस की आत्मा और सोच को आप दूर करें. As you are faithful, let them also be faithful to seek your face through the Bible, through the Word of God. जैसे आप सच्चे और विश्वास योग्य हैं, उन्हें भी सच्चा विश्वास योग्य बनाएं कि आपके चेहरे को परमेश्वर के वचन के द्वारा से देखने के लिए ललायित हो. Give them this grace to each and everyone who is watching this program. हर एक जो इस कार्यक्रम को देख रहे पिता, उन्हें यह हर एक उस व्यक्ति को यह अनुग्रह दे. Let them enjoy the presence of God. वे परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने पाएं. Give them good health, 100% good health.
उन्हें 100% अच्छा स्वास्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। Let them feel the presence of God even now as they look unto you, O Father। इस समय जब वो आपकी ओर निहारते प्रभु जी, वे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने पाएं। Touch all the young people। हर एक जवान को छुए। Bring them also closer to you। उन्हें भी अपने करीब ले आते। Right now let them receive all the miracles। इसी समय वो हर एक चमत्कार को प्राप्त करें। When they claim the promises of God, जब वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करते हैं, with all the blessings you have given to them, हर एक आशीषों से जो आपने उन्हें दी है भर दें, let their home be a sweet home, उनका घर जो है एक सुखी घर हो, by having you all the time with them, जब वे आपको अपने साथ साथ हमेशा बनाए रखें, touch everyone, हर एक को छूने, let them be blessed abundantly, और वे बहुतायत से आशीषित हो, in Jesus name we pray, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।